वाह, तुम्हारा धनिया तो बिल्कुल तैयार हो गया है। मेरे घर बहुत सारे मशरूम आए थे तो पापा ने बोला इसका क्या करोगे, तो फिर दादी ने बोला कि धनिया 1 kg 400 रुपए का है, तो फिर मैंने सोच लिया अब इसी में लगाऊंगा। तो बहुत सुंदर हो गया, कितना दिन हुआ लगाए हुए? अप्रोक्स 3 weeks लगे हैं और अब इसकी मम्मा चटनी बनाएगी। तो बहुत सुंदर हो गया है तुम्हारा। वाह, तो हमको भी खिलाओगे ना चटनी अपने धनिया से? नहीं, ये सिर्फ मेरा है। अरे मेरे घर कीवी भी आया था और मैंने कीवी खा लिया, तब मैं इसका भी कुछ करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल और स्वागत है आपका डिंपल ड्रीम्स में। मेरे बेटे लवेश ने कैसे यूज़ किया है इस यूजलेस कंटेनर का, चलिए ये देखते हैं। आप भी इस तरीके से मशरूम, कीवी या किसी भी फ्रूट्स के कंटेनर का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि मशरूम के कंटेनर में कैसे लगाते हैं धनिया। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास 2 कंटेनर है और धनिया को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, सिर्फ 2 टुकड़ों में। फ्रेंड्स मैंने कैंची से यहाँ पे होल भी कर लिया है। फ्रेंड्स इसको अब साइड में रख लेते हैं और मिट्टी और गोबर को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब इसे कंटेनर में हम हाफ से थोड़ा सा कम फिल कर लेते हैं। और अब धनिया सीड्स डाल देते हैं। ध्यान रखें कि ये हर तरफ जाए और ऊपर से मिट्टी भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स अब ये हो गया तैयार। अब इसी सेम प्रोसेस से हमें दूसरा टिन भी पूरा भर लेना है। फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम लोग 3 weeks के बाद, जब हमारा धनिया रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने जमीन पे भी धनिया लगाया है और ये तैयार हो गया है, तो आज इसकी चटनी बनेगी, तो चलिए इसे काटते हैं। देखिए अब इसकी चटनी बनेगी।